हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं वेज पनीर बिरयानी, जो कि खाने में एकदम टेस्टी है और इसका टेस्ट रेस्टोरेंट जैसा है। तो चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर कुकर गर्म होने रख दिया है। इसमें हम 50 ग्राम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और इसे गर्म होने देंगे। यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है और इसमें हम कांदे डाल देंगे। हमें कांदे को ब्राउन कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कांदे ब्राउन हो चुके हैं। इसी तरीके से हम इसे अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमने यहाँ पर 300 ग्राम तक पनीर लिए हैं और इसे क्यूब में काट लिया है। हम इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर पनीर हो चुके हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी के साथ हम बचे हुए पनीर को भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर पनीर फ्राई हो चुकी है। अब हम सारी सब्जियों को पका लेंगे। यहाँ पर हमने एक आलू कटी हुई ली है, दो बड़े गाजर लिए हैं कटे हुए, दो बड़ी शिमला मिर्च काट लिए हमने, और यहाँ पर 100 ग्राम तक की हरी मटर ली हुई है हमने, इसे भी हम डाल देंगे। यहाँ पर हमने एक छोटी प्याज ली हुई है, इसे भी हम इस तरीके से काट के डाल देंगे। सारी सब्जियों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे हम। अब हम इसे 5 मिनट ढककर पका लेंगे। यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम सारी सब्जियों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल और ऐड करेंगे। ऑयल हीट हो चुका है पर हमने 2 बड़ी चम्मच जीरा लिया हुआ है, 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, काली मिर्च के दाने, दालचीनी, 2 लाल मिर्च। अब हम सारे मसालों को एक एक करके इसमें डाल देंगे। इसे हम थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम पिसे हुए मसाले डालेंगे। इसमें हम 2 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 2 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, 2 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर हमने 1 पैकेट बिरयानी मसाला लिया हुआ है, 1/2 पैकेट गरम मसाले पाउडर। सारे मसालों को अच्छे से मिला लीजिए। अब हम 2 मिनट ढककर मसालों को पका लेंगे। मसाले पक चुके हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। मसाले अब ठंडे हो चुके हैं। अब इसमें हम 200 ग्राम दही मिला देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम सारी सब्जी को इसमें मिला लेंगे। यहाँ पर हमने 2 टमाटर कटे हुए लिए हैं। सारे सब्जियों को एक बार अच्छे से मिला लीजिए। यहाँ पर हमने 100 ग्राम पानी डाल दिया इसमें और इसे अच्छे से मिलाकर 5 मिनट तक ढक कर रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम पनीर भी डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। यहाँ पर हमने 750 ग्राम चावल लिए हुए हैं। इसमें भी हम थोड़ा सा नमक मिला लेंगे ताकि चावल में अच्छे से सारे नमक मिक्स हो जाए। सब्जियों में नमक अच्छे से मिला लीजिए और 2 मिनट ढककर रख दीजिए ताकि नमक सब्जियों में अच्छे से मिल जाए। सब्जियाँ हो चुकी हैं। अब इसमें हम बारीक कटी हुई हरी धनिया डालेंगे, बारीक कटे हुए पुदीने के पत्ते, फ्राइड ऑनियन जो हमने फ्राई किया था, 1 टेबलस्पून अमूल बटर। अब हम इसमें चावल डाल देंगे जो हमने बिरयानी के लिए लिया है। यहाँ पर हमने बासमती राइस लिया हुआ है। यहाँ पर हम एक और लेयर उसी की तरह कर देंगे।
अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा पानी चावल के बराबर लेवल पर ही होना चाहिए। अब हम इसे ढक कर रख देंगे, एक सीटी होने तक का इंतज़ार करेंगे। अब हम गैस स्लो करके इसे दो मिनट पका लेंगे। गैस ऑफ कर दीजिए, भाप निकलने तक का वेट करिए। तो चलिए अब हम इसे खोल के देखते हैं बिरयानी कैसी बनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं बिरयानी कितनी कलरफुल और टेस्टी लग रही है। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही हम आपके लिए न्यू रेसिपी लाते रहेंगे। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बी सेफ़।